तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। आज बड़ी बहस में चर्चा प्रियंका गांधी के सोनभद्र दौरे की करते हैं। सोनभद्र में हुई हिंसा पर भले ही कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में जुटी हों, लेकिन यहां के आदिवासियों को ये जख्म कांग्रेस नेताओं की ही देन है, क्योंकि दशकों पहले ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कांग्रेस के नेताओं ने किया और यहां पर यह बड़ा घोटाला हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि 10 लोगों की जान सोनभद्र में गई है। सोनभद्र के उंभा में जमीन विवाद में 17 जुलाई को हुए नरसंहार के मुद्दे पर हमलावर रही कांग्रेस अब खुद ही घिरती हुई नजर आ रही, और वजह यह है कि सोनभद्र और मिर्जापुर में 1,00,000 हेक्टेयर की कब्जाई गई जमीन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सब सोसाइटी बनाकर 6,000 एकड़ से अधिक की जमीन पर कब्जा किया। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पिछले महीने हुए नरसंहार के पीड़ित परिवारों से दोबारा मिलने के लिए पहुंची, लेकिन उनके इस दौरे से पहले सोनभद्र नरसंहार को लेकर खुद कांग्रेस घिरी हुई है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम हैं जिन्होंने सरकारी जमीन में गोलमाल किया है। सोनभद्र नरसंहार मामले में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस शुरुआत से ही इस मामले में सरकार पे आक्रामक है। खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सोनभद्र के उंभा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। प्रियंका ने दौरे से पहले ट्वीट करके कहा, मैंने चुनार पहुंचकर पीड़ित परिवारों से वादा किया था और मैंने अपना वादा अब निभाने जा रही हूँ। प्रियंका ने उंभा पहुंचकर पीड़ित परिवारों और महिलाओं के साथ बैठकर उनका हालचाल जाना। दरअसल सोनभद्र विवाद को लेकर प्रियंका लगातार सरकार को घेर रही हैं। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने सोनभद्र जाने की जिद ठानी थी, लेकिन हालात खराब होने के चलते प्रशासन ने उन्हें मिर्जापुर में ही रोक दिया था। इसके बाद प्रियंका को मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां उन्होंने रात भर धरना भी दिया था। लेकिन आज प्रियंका सोनभद्र के उंभा गांव पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। पहले मैं यहाँ नहीं आई, मैंने उस समय जब डोमी से मिलने आए थे पीड़ितों के रिश्तेदार, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं गांव आऊंगी। मैंने सोचा कुछ दिन बीत जाए उसके बाद आऊं। भाजपा की आदत है कि हमेशा कांग्रेस पे ही आरोप लगाते रहते हैं। जिम्मेदारी उनकी है, उनको ये समस्या सुलझानी है। यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना प्रताड़ित किया गया है लोगों को, लोग इतने दुखी हैं। आप इनसे जरा बात करके देखिए क्या क्या हो रहा है कि गांव में बहुत सारे 80-90 तकरीबन फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं निर्दोष लोगों के खिलाफ। मतलब महिलाओं पे गुंडा एक्ट लगाया गया है, तो ये एक तरह से नई बात निकली है। मैं सोचती हूँ कि अगर सरकार थोड़ी कार्रवाई करे और जिन पे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो तो वापस ले लें, क्योंकि मतलब बहुत पहले से ही प्रताड़ित हैं, इतना अत्याचार हुआ है इन पे, तो सही तो यही रहेगा कि जो फर्जी मुकदमे। प्रियंका के इस दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रियंका के दौरे को नाटक करार दिया है। जितनी भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती थी सोनभद्र के संदर्भ में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के समय का किया हुआ ये कृत्य है कि जमीनों को हथियाना, आदर्श सोसाइटी को बनाना, उसके बाद में उनके सांसद राज्यसभा के वो उस पर काबिज हों, बाद में उसको बेचा जाना, ये इसकी कड़ी सीधे सीधे उनसे जुड़ी हुई है। मुझको लगता है हो सकता पश्चाताप करने जाएं, कायदे से तो उनको पश्चाताप करने जाना चाहिए कि कांग्रेस के जो उनके पहले के नेता थे उन्होंने किस प्रकार से ज़मीन को हथियाने का काम किया, उसका उनको अफसोस होना चाहिए। अब इतने दिन के बाद जब सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं और सारी जांच के आगे कार्रवाई चल रही है, मैं समझता हूँ केवल पॉलिटिकल स्टंट, एक मीडिया ट्रायल उनका शौक है, तो मीडिया ट्रायल के लिए हो सकता जा रहे हैं। भद्र में जो हिंसा हुई थी वो बहुत दर्दनाक थी, पूरे प्रदेश के लोगों को वहाँ उस घटना से पूरी सिंपैथी है, हमदर्दी है, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वहाँ के कप्तान और डीएम दोनों का वहाँ से हटाया गया है, और अब उस पर सरकार ने जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर काम किया, क्योंकि पूर्व सरकारों की जो गलतियाँ थी उसके कारण ये सब घटनाक्रम हुआ, तो
उस पर राजनीति अब ना हो, क्योंकि अब सोनभद्र शांत है और वहाँ जो अपराधी हैं या जो उसके लिए दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लोकतंत्र है, कोई नेता कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम इतना ही आग्रह करेंगे कि सोनभद्र अब शांत है और वहाँ उसको अशांत करने की कोई कोशिश ना करे। सोनभद्र मामले में खुद कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। मामले में अपर गृह सचिव की जांच में सामने आया है कि इस विवाद की जड़ खुद कांग्रेस ही है। सीएम योगी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को इस मामले में घेरा था। जमीन विवाद में भी कई कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने खुद के फायदे के लिए इस विवाद को जन्म दिया। वहीं अब प्रियंका के दौरे को लेकर निशाना साध रहे बीजेपी नेताओं ने ये मांग की है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के पापों की माफी मांगे और अपनी ओछी राजनीति बंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वाकई में बेहद हैरान कर देने वाला है, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी अब सोनभद्र पहुंची हुई हैं, पीड़ितों के साथ मुलाकात कर रही हैं, तो फिर सवाल यह भी उठेगा कि जब नाम इसमें कांग्रेस के नेताओं के सामने आए हैं, तो क्या प्रियंका गांधी को इस पर भी जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट नहीं करना चाहिए? सवाल यह भी बरकरार। आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवाता हूं। जासिर कमर अली जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जासिर कमर अली जी, बहुत स्वागत है आपका। आपदा हरण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। आपदा हरण सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वीरेन सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेन सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी से जासिर कमर अली जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी के इस दौरे को, क्योंकि लगातार आपके जो तमाम बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरा सियासी ड्रामा है, स्टंट है। क्यों लग रहा है ऐसा? आपका पहला कमेंट। जी बेशक, बिल्कुल राजनीतिक ड्रामा है ये, और जो राजनीतिक ड्रामा कर रही हैं वो जान रही हैं कि जो कांग्रेस के उनके नेता थे, उन लोगों ने जो जमीन तय करी थी, जिस हिसाब से उन्होंने बदला उस जमीन को, जो खेल कांग्रेस ने उस जमीन में खेला, और वो खेल लगातार उस खेल को खेलते गए, और उसमें जो भी कांड हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई करी वो भी एक नजीर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये राजनीतिक ड्रामेबाजी करने दीजिए, वो इसलिए राजनीतिक ड्रामेबाजी है कि कांग्रेस के जो लोग थे उनके नाम, उन्हें लगता है कि इस बात को करके दबाए ले जाएंगे, लेकिन दब देखिए नहीं पाएंगे। और आपने देखा कि समाजवादी का जो ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है, उस तरह से उसका भी नाम आया है। तो खेल जो चल रहा है वो खेल अब फूट गया उनका, क्योंकि एक अति होती है, उन लोगों ने अति कर दी। और ये अपने लोगों को बचाने के लिए कि हमारे कांग्रेस ने जो खेल खेला था वो खुल रहा है, इस वजह से सिर्फ दिखावा उनका है कि उस पीड़ित परिवार के हम साथ हैं। आप ये बताइए, पीड़ित परिवार के आप साथ हैं, ठीक है, आप राजनीतिक उसमें मत करिए। आप राजनीतिक इस वजह से कर रहे हैं कि आपके जो लोग हैं उसमें फंस रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, उन लोगों ने एक लंबा खेल खेला। तो ये आवाम बहुत जागरूक है, और जो वहां पीड़ित लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रही हैं वो। देखिए, जासिर कमर अली जी ये बात कह रहे हैं, और इनके जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी स्टंट है, सियासी ड्रामा है। और वो ये बात भी कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं, इस वजह से प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटकाने के लिए या दबाने के लिए अब इस पर राजनीति कर रही है। आपका कमेंट सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, राजा साहब सत्ता में है तो इनके अलावा सारे लोग दोषी हैं, ये पहले से भी इनकी पार्टी कहती है और आज भी कह रही है। जब ये घटना हुई उसके पहले स्थिति तनावपूर्ण थी, इनके जिला प्रशासन ने, इनके अधिकारियों ने कोई जांच पड़ताल तब तक नहीं की। जब सरकार की तरफ से उनका कोई हालचाल लेने नहीं गया, विपक्ष वहां तक पहुंचा, पहले तो इन्होंने जाने नहीं दिया, और जो पहुंचे भी उनको सियासी ड्रामा बता रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो अगर सरकार नहीं कर पा रही, विपक्ष जाके गरीबों के साथ खड़ा होता है, उनके आंसू पोंछने काम करता है, उनका हालचाल पूछता है, तो इसमें ड्रामा क्या है? क्या गरीब का हालचाल पूछना ड्रामा है, या ड्रामा असली वो है कि 10-10 लोगों का निशंस जो है हत्या हो गई और सरकार विफल रही? ड्रामा, लेकिन आपदा हरण सिंह ड्रामा इसलिए भी कह रहे हैं वो, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आ रहा है और उसकी जड़ जहां से बोई गई है, अगर उसके विषय में भी प्रियंका गांधी बोले तो शायद इसको ड्रामा ना कहा जाए, लेकिन अपने पार्टी पक्ष के लोगों के विषय में ना बोल करके सिर्फ ये कहा जाए कि सिर्फ एक पार्टी की वजह से ऐसा हो गया, तो फिर ये ना इंसाफी है। आपदा हरण सिंह जी, देखिए, गेंद सरकार के हाथ से वहां फिसल गया है,
अब ये जांच करेंगे, कांग्रेस के नेताओं का नाम बताएंगे, फिर नेहरू और जो है मोतीलाल जी तक जाएंगे। ये इनका पुराना फंडा है। सच ये है कि जो जांच आज हो रही है ये पहले घटना के होने के पहले क्यों नहीं हुई? अगर वहां कोई विवाद था, कोई तनाव की स्थिति थी, एक दिन में मारपीट और दस लोगों की हत्या नहीं हो जाती, ये महीनों महीनों चला होगा, तब अगर जांच करके ये बात सामने ले आते तो ये सच माना जाता। अब तो ये आपका ठाट है। जब कोई घटना हो गई, विपक्ष जाके गरीबों का आंसू पोंछ रहा है, उनके साथ खड़ा है, उनकी हमदर्दी में शामिल है, तो अभी सियासी ड्रामा न कहे तो कहेंगे, अपनी विफलता को क्या मान लें, कि स्वीकार करें? नहीं करेंगे। ठीक है, तो विपक्ष को ठीक है। आरओ में आपके पास वीरेंद्र सक्सेना जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप आपदा अरण सिंह की बात से, या फिर जो बात जासिर कमर अली जी कह रहे हैं, कैसे इसको देखो समझ पा रहे हैं? ठीक है सर, एक सेकंड, वीरेंद्र सक्सेना जी। देखिए, बात यह है कि आयुष जी, कांग्रेस की किस्मत खराब चल रही है। जहां पे वो हाथ डालते हैं उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। कर्नाटक में उन्होंने, सिद्धारमैया ने कोशिश की थी कि मैं जो हूँ एमएलएस को तोड़कर और सरकार गिरा के जो है खुद कांग्रेस में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। उसी तरह यहाँ जो है सोनिया, ये आपकी प्रियंका गांधी वहां गई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। अब जब जांच हुई तो पता लगा कि उसमें कांग्रेसी नेता भी फंसे हुए हैं। अब उनकी पोजीशन ऐड हो गई, चूंकि जब जा चुकी है वहां पर तो उन्हें अपना जो है स्टैंड तो बरकरार रखना ही है। अब वो बार बार पीड़ितों से मिल रही है, ये कर रही वो कर रही है, लेकिन जो कांग्रेसी नेता उसमें जांच में आए हैं, फंसे हुए हैं, अब ये तो दोष उनका होगा ही, और जो दोष उनका है तो फिर। लेकिन वीरेंद्र सक्सेना जी, आपदा रण सिंह देव ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये घटना घटित हो गई है और अब सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस के नेताओं का नाम इसमें लाया जा रहा है, यानी कि वो जांच के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर ऐसे में आप क्या कहेंगे और कैसे देखेंगे विपक्ष के इन आरोपों को भी? आपकी बात ठीक से मैं सुन नहीं पाया बीच में। वीरेंद्र सक्सेना जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपदा अरण सिंह जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब ये घटना घटित हो चुकी है, सरकार के पास क्योंकि अब बोलने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं का नाम ला रही है और अब वो यही कहेगी, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष, इसको कैसे देखेंगे फिर? नहीं, ये तो जांच का विषय है, और अगर कांग्रेसियों का ऐसा लगता है तो वो भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ला करके बात करें और सबको बताएं। लेकिन ये बात जरूर है कि ये घटना जो आज हुई है वो एक दिन का परिणाम नहीं है, ये चल रही होगी कम से कम 15-20 दिन, महीना भर से तनातनी चल रही होगी, सब कुछ होगा, लेकिन और रिपोर्ट भी हुई होगी, पुलिस के पास सूचनाएं भी गई होगी, लेकिन हमारी पुलिस जो है इतनी अक्षम और इतनी जो है लापरवाह है कि वो इस बात की कभी कोई परवाह नहीं करता कि कोई आदमी शिकायत करता है कि भाई यहाँ पर ये ऐसा होने वाला है, वो नहीं परवाह करता। जब तक कोई घटना नहीं हो जाती तब तक वो अपनी कुर्सी से हिलते नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी पुलिस की है और प्रशासन को ये बिल्कुल दोषी माना जाना चाहिए कि आखिर ये घटते कि उनको सुराग क्यों नहीं लगा, पहले से उन्होंने क्यों नहीं इंतजाम किया कि तनाव जरूर रहा होगा, ये अगर करते तो ये स्थिति ना होती। जासिर कमर अली जी, जवाब दें जी। उन अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हमारी सरकार ने करी, जो अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा छोटी छोटी सी अगर किसी की शिकायत आती है तो छोटी सी शिकायत को भी आप संज्ञान लेंगे। जिन अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया, चाहे वो सीओ हो, चाहे एसओ हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे तहसीलदार हो, इन लोगों ने जो इस शिकायत का संज्ञान नहीं लिया तब इतनी बड़ी घटना हुई, उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नजीर पेश करी और तत्काल कार्रवाई की। जो तत्काल कार्रवाई की और उसका आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सख्त हुए और उन्होंने जो काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो लोग वापस नहीं आ सकते जो दुनिया चले गए, लेकिन यकीन मानिए अब वहां पे एक भी चीज नहीं हो सकती किसी भी शख्स की, मतलब कोई भी, चाहे जान हो चाहे माल हो, किसी चीज का भी हम नुकसान नहीं होगा। देखिए, क्योंकि जो अधिकारी कमर की जिम्मेदारी जिन कंधों आप बाद में जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा, उस पर विपक्ष भी सवाल नहीं खड़े कर रहा और ना उस पर कोई राजनीति हो सकती है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, उन्होंने वहां पर खुद जाकर के देखा कि जो आप लोगों की तरफ से अनाउंस किया गया था वो जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर मिल रही लोगों को। सवाल विपक्ष ये खड़ा कर रहा है कि अगर आप ये मान रहे हैं कि आपके अधिकारियों ने कार्रवाई समय रहते नहीं की गई तो फिर आप लोगों के ऊपर उंगली उठ रही है कि आप लोग फिर इसको रोक सकते थे, कमी रह गई वहां पर, यही सवाल उठा रहे हैं आपदा अरण सिंह जी भी। मैं चाहूंगा इसका जवाब दे दें फिर आप साथ में। मैंने आपसे कहा कि जो वहां
तालमेल आपस में चल रहा था जो कांग्रेस ने बो के वहां पे रखा था। जब कोई चीज आती है तो हमारी जब सरकार बनी है, हम 15 साल बाद सत्ता में आए हैं और उसमें देखिए समाजवादी कांग्रेस दोनों, क्योंकि कांग्रेस ने ये खेल उसमें किया, हम 15 साल के बाद आए हैं। जब एक लंबा वक्फा हो जाता है तो उसके बाद आते आते सेटलमेंट होता है कि हर चीज का एक अपने आप होता है। हमारे 3 महीने चुनाव में निकल गए, फिर उसके बाद 2.25 साल की मेरी सरकार है, 2 साल की उसको सरकार को आप मान लें, फिर उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, देखिए आप उस चीजों को कार्रवाई करिए और हम उस चीज को देखेंगे, और माननीय जी मुख्यमंत्री जी देखते हैं उसका संज्ञान भी लेते हैं। अभी जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं वो तो सबके सामने आ जाती है, और कोई ऐसी घटना ना हो उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ख्याल रखते हैं। उन अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया, वो किसका मामला था, किसके साथ चीज थी, उसकी भी देखिए जांच हुई, वो अधिकारी भी जेल जाएंगे। हमारी सरकार इंप एंड बट की राजनीति नहीं करती है, हमारी सरकार कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, हमारी सरकार जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, चाहे हमारा अपना हो चाहे पराया हो, हम कोई भेदभाव देखिए नहीं करते। हम कोई भेदभाव करें, इनके यहां क्या होता है कि कांग्रेस के नेताओं का नाम आ गया और बिल्कुल उनका लिखित में रिटर्न में नाम उनका है तो ये दिखाने आई है कि देखिए हमारे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, तो आप ये साबित करने वहां गई हैं कि हमारे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, जबकि ये नजीर है, ये दस्तावेजों में दर्ज है कि कांग्रेस का पूरा खेल है। देखिए चंद मिनटों के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करके पब्लिक से आप बात कर सकते हैं, पब्लिक अवाम हिंदुस्तान की बहुत ही आप समझ लिए बहुत सीधी और सज्जन है। आज तक कांग्रेस ने उसको लगभग 65 साल तक बेवकूफ बनाया, लेकिन इस हिंदुस्तान की जो आवाम है वो अब जागरूक हो चुकी है। कांग्रेस की जो चालाकियां हैं, जो होशियारी रही है अभी तक की, उसको लोग समझ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग आज की तारीख में आ गए। देखिए लगातार 14 में लोग आए, लोग सबका साथ सबके विकास 14 पे आए, फिर उसके बाद आपने 17 में देखा कि लोगों ने हमें चुना, यूपी में चुना, अभी 19 में आपने देखा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हमारे ऊपर है। आप कहीं निकली आयुष जी, लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है, वो फैसला देती, वो हक की बात करती है, वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, कि हम नजीर पेश करने यहां आए हैं। जिस अवाम ने हमारे ऊपर भरोसा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, हमें जिन लोगों ने चुना है हम उन पे खड़े उतर रहे हैं, और यकीन मानिए उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनके लिए काम करते रहेंगे। जो भी अधिकारी इसमें दोषी होंगे, जो अधिकारी जो फौरन तत्काल जो है उसमें संज्ञान किसी चीज में नहीं लेंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपदा रण सिंह जी, अभी आप ये कह रहे थे कि सरकार की चूक है और सरकार की जो जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो सवाल मैंने पूछ लिया, उसका जवाब दे रहे थे जासिर कमर अली जी। अभी एक सवाल आपके लिए भी है कि बीच में आप लोग भी समाजवादी पार्टी की सरकार चलाते रहे, जो मुख्य आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का कितना करीबी है ये किसी से छिपा नहीं रहा। जब 40 साल से एक ही जमीन के ऊपर 140 से ज्यादा परिवार खेती करते रहे और पता था कि ये डिस्प्यूट का मामला है, तो आप लोग भी सुलझा नहीं पाए, आप भी तो उस समय सरकार का हिस्सा होते थे ना, तो बराबर से जिम्मेदारी फिर आपकी भी होगी। आप दारण सिंह जी, आयु जी उसका जवाब अखिलेश जी जब उपलब्ध होंगे तो उनसे ले लीजिएगा। रही कमर रजा की बात, तो आधा घंटा इन्होंने प्रवचन दिया, सच यह है कि इस घटना पे अखिलेश जी से तो उसका जवाब लिया जाएगा, समाजवादी पार्टी आएगी उससे भी जवाब लेंगे, लेकिन आप उस सरकार का हिस्सा थे ना अपदारण सिंह जी, पार्टी तो अभी बना ली आपने, इसलिए दूसरों को अगर आप उंगली उठाएंगे तो उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। हमसे आयुष जी उस चीज का जवाब मांगिए जिसपे हम सम्मिलित हैं, बच नहीं सकते, अलग पार्टी बना के बच नहीं सकते ना, किसी भी सरकार को चलाते रहे उसका अंग अगर आप रहे तो आप लोगों ने भी आज नहीं सोचा उसके बारे में, आज आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, अगर उसी समय सोच लेते तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं होती। आपदा रण सिंह जी, इससे बच नहीं सकते कि आपकी पार्टी अलग हो गई। बात राजनीति की नहीं, राजनीति करने वाला कोई मंदिर में लेके माला नहीं जपता है, राजनीति जनता से सरोकार की चीज है, और यदि जनता के साथ कहीं अन्याय हुआ है, प्रशासनिक कोई भूल चूक हुई है, तो उससे हालचाल पूछना कोई अपराध नहीं आयु जी, मैं नहीं मानता हूं इसको। प्रियंका गांधी गई हो, हम जाए, हमारा दल 21 महिलाओं का डेलीगेशन गया था, इन लोगों ने वहां तक जाने नहीं दिया, खैर लोग चुपके लोग पहुंचे, तो हमारा काम है जनता में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके दुख दर्द में शरीक होना, और खासतौर से सरकार जहां पे विफल हो, जहां सरकारी तंत्र अपना काम नहीं कर पा रहा, वहां विपक्ष की भूमिका है, हमें उनके साथ जाना है, उनके साथ खड़ा होना, उनका जो सुख दुख दूर कर सकते हैं उसमें हम सहायक होंगे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अभी बता रहे थे कमर रजा साहब,
15 साल बाद इनको मौका मिला है, तो अगले 15 साल का पट्टा कर दिया जाए उत्तर प्रदेश इनके नाम, तब ये उचित कार्रवाई करेंगे। 2 साल से सत्ता में है, अगर 2 साल में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपके लिए शर्म की बात है। आपको और जब समाजवादी पार्टी में आप लोग सरकार चलाते रहे तब आप लोगों ने क्या किया? फैक्ट सामने रखने चाहिए। जब आप लोग सरकार चलाते रहे तो आपने क्या किया, यही तो सवाल है आपसे। हमारे समय का कोई मामला बताइए। नहीं, हमारे देखिए प्रशासनिक, देखिए गांव के स्तर पे क्या था क्या नहीं था, ये स्थानीय प्रशासन के जांच का विषय है। सरकार के संज्ञान में कुछ लाया जाता तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती। तो वही बात जैसे कमल जी भी कह रहे हैं, इनके शासन में 10 लोग मार डाले गए। नहीं, इनके इनके शासन में 10 लोग मार डाले गए आयुष जी, उसके लिए भी जवाबदेह हम ही है। अगर ये घटना हमारे यहाँ हुई होती तो सड़क पर आग लगा देते। अब बता रहे जोगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, इसी चैनल पर बैठ के हम लोगों ने बहस की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में सीतापुर का मामला अभी ठीक है। एक सेकंड, आयुष जी पाक साफ का एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, मेरी आदत नहीं हुई जी, मैं पाक और साफ। आपको याद होगा मथुरा का जो कांड हुआ था, जो इनके आपको याद होगा किसका साया था किसका साथ था। सर मैं उस आरोप प्रत्यारोप में पढ़ना नहीं चाहता था, नहीं तो मैं इस कांड को गिनवा सकता था। मैं ये नहीं चाह रहा था कि बहस डिस्ट्रैक्ट हो, मैं ये नहीं चाह रहा था कि बहस डिस्ट्रैक्ट हो, मुझे पता है, इसलिए मैं उस मुद्दे पर नहीं आ रहा था। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसी का जवाब मैं चाह रहा था। वो तो बच रहे ना, अपदारण सिंह जी तो कह रहे थे कि वो तो समाजवादी पार्टी से आप आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए भाई आप सरकारों का हवाला दे दीजिए। आपने ढाई साल जवाब ले लिया और उसका जनता फैसला देगी। ठीक है, आपदा रण सिंह जी, देखिए आपने कहा कि देखिए जासिर कमर अली जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, जितना समय मैंने उनको दिया उतना ही समय मैंने अब आपको दे दिया। अब आप सुने, आपने जो कहा है उसका जवाब आप जासिर कमर अली जी से सुनते चले। कमर अली जी कंप्लीट करें जी। सच्चाई नहीं सुनते इनके नेताओं कमी जी। आपने देखा कि जो मथुरा में हुआ था उसमें पुलिस अधिकारी हमारे शहीद हुए, कितना बड़ा नुकसान हुआ और सफा सफा मालूम था किसका मामला है क्या चीज है, लेकिन समाजवादी की सरकार थी। आप बताइए, इतना बड़ा कांड हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा जमीन का विवाद हुआ और उसमें उनकी सरकार क्या, उन्होंने आप बताइए समाजवादी के मंत्री का नाम आ रहा, समाजवादी की सरपरस्ती नेताजी का नाम आ रहा उनके, अब सब जानते हैं सब कुछ क्या क्या खेल खेला। पाक साहब कैसे बन सकते हैं, ये लफ्ज में मुझे आपत्ति है भाई। देखिए आयुष जी, पाक साहब क्या होता है, अभी कहा राजनीतिक में जो है, अरे आपदा अरण सिंह जी का तो कोई समाजवादी पार्टी से लेना देना ही नहीं है, वो तो अभी एक लाइन कह करके आराम से किनारे निकल लेंगे, वो उनका कोई लेना देना नहीं भाई। उनकी तो पीएससीएल है ना, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थोड़ी ना है। उसका जवाब तो मुझे अकेले से लेना होगा ना, या समाजवादी पार्टी के जब प्रवक्ता आना शुरू करेंगे तो उनसे जवाब लिया जाएगा। नहीं नहीं, वो देखिए ये तो बात आयुष जी, ये तो बात मुझे लगता है कि हमारे आपदा हरण सिंह बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा उनके नॉलेज है, हमसे ज्यादा समझदार हैं वो। लेकिन ये तो बचकाना बयान है कि वो अखिलेश यादव जी से इसका आप जवाब लेंगे। चच्चा का हाथ भतीजे ने पकड़ के निकाल दिया, बात सुनिए, वहीं तक 15 साल तक रहे हैं आप साथ में, अब तो ये बात करना मुनासिब नहीं है मुझे लगता है ना जी। ये बात का कोई जवाब नहीं, भागने नहीं, आप भागिए नहीं, देखिए बात से सवाल किया जाए। भागता यार आडवाणी जैसे कद्दावर नेता को खा के आप लोग, अरे भैया हमारे सीनियर हैं, बेचे ले रहे हो, वो हमारे सीनियर हैं, हम उनके हमारे वो, अरे ठीक है, बताइए बात प्रियंका गांधी पर हो रही थी और बात पहुंच गई आडवाणी तक, आपकी इसीलिए मैं मुद्दों में नहीं जाना चाहता था, थोड़ा पॉइंट पर रहते हैं ठीक है। इन सारी बातों का जो जिस्ट है वो मैं वीरेंद्र सक्सेना जी से भी समझूंगा। दरअसल ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है इसके मायने क्या समझे जाए, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रियंका गांधी के सोनभद्र दौरे की और उस पर हो रहे सियासी संग्राम की, क्योंकि बीजेपी यह कह रही है कि प्रियंका गांधी सीधे तौर पर इस पूरे मसले का राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही है, सियासी ड्रामा है और कांग्रेस की जो संलिप्तता है उस पर भी जवाब प्रियंका गांधी को देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष को भी ऐसे मसलों पर जाने का अधिकार, पीड़ित परिवारों से मिलने का अधिकार है, तो फिर पक्ष ये क्यों कह रहा कि यह सियासी नाटक है। इसी पर चर्चा जारी है, सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी आपके पास आ जाता हूं। यह बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए जिस तरीके से आप प्रियंका गांधी वहां पर गई, वो भले ही उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हो लेकिन यह दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र के अंदर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको तो ऐसे मसलों पर और पीड़ित परिवारों के पास जाने का, मेल मुलाकात करने का तो अधिकार है, फिर यह क्यों लग रहा भारतीय जनता पार्टी को कि यह एक पूरा सियासी स्टंट है? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपसे समझना चाहूंगा वीरेंद्र सक्सेना जी।
देखिए ऐसा है कि सोनिया गांधी, देखिए विपक्ष हो या पक्ष हो, हर आदमी किसी घटना का जो है पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश करता है। ये राजनीति में हर आदमी करता है, ये एक सिद्धांत बना हुआ है और सब करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वहां गई हैं वो और पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही तो ले सकती हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि अब ये घटना जो है उनके गले की हड्डी बन गई है कि अब जब कांग्रेसियों के नाम इसमें आ गई है तो वो अब ना निकल सकती है इसमें से और ना अंदर घुस पा रही है। कि अब सवाल यह है कि कांग्रेसियों के नाम के ऊपर वो क्या कहें कि कांग्रेसियों के नाम है तो झूठे हैं कि सही है कि क्या नहीं है, तो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो कैसे बिहेव करें इस समय। दूसरी बात यह है साहब कि मैं 1975 से पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने बहुत से शासन देखे हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, काम मुलायम सिंह हो चाहे कल्याण सिंह हो चाहे कोई भी हो। और साहब 1992 में सिर्फ जब कल्याण सिंह की बहुमत की सरकार थी तो उस समय एक ऐसा दौर आया था जब लोग कहते थे कि साहब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और अब नाइट शो जो है लोग परिवार के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे रिजीम में मैंने 1975 से आज तक जो है कभी भी जो है कानून व्यवस्था को सही नहीं देखा और पुलिस जो है माफ कीजिएगा कुत्ते की दुम की तरह है। आप जितना भी उसको बोतल में रखिए वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी, चाहे 6 महीने चाहे साल भर। और चाहे प्रशासन, मैंने सारे मुख्यमंत्री देख लिए, सारे जो है वो डीजीपी देख लिए, सब देख लिए, सब कहते रहते हैं कि FIR लिखी जाएगी और पुलिस जो है बहुत सेंसिटिव हो गई है और पुलिस फलाना हो गया है। लेकिन आप अगर शुरू से लेके आज तक जो है पुलिस का व्यवहार देख लें, मुझे लगता है 1 इंच भी कहीं फर्क नहीं आया पुलिस के व्यवहार में। सबसे बड़ी बात प्रशासन और सरकार के लिए है कि ये पुलिस कैसे बदली जाए, इनकी मानसिकता कैसे बदली जाए। अगर इनकी मानसिकता बदल जाए तो ये जो है अपराध हो रहे हैं ऐसे अपराध नहीं होंगे। आप देखिए रोज अखबार भरा रहता है, कभी चोरी है, डकैती है, स्नेचिंग है, रेप है, कभी अखबार में ऐसा नहीं है किसी दिन सन्नाटा दिखे आपके हाँ भाई शांतिपूर्ण रहा मामला। तो ये पुलिस को जो है टैकल करने की जो है लोग जो है कोशिश नहीं करते, खाली मुलायम वो भी भाषण देते हैं मुख्यमंत्री जी कि ठोंक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कहां किसको डर आ रहा है। ये जो प्रशासन का डर है वो डर कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, ये बड़ी दिक्कत की चीज है। और कमर अरवी साहब ने शायद, मुझे लगा कि ये इन्हें लगा कोई भीड़ भीड़ है भाषण दे दें तो ये कुछ भाषण वाषण देने लगे अपना, लेकिन फैक्ट यह है कि ये पुलिस को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। इसको जो है कंट्रोल करने के लिए लोगों को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। जासिर कमर अली जी भाषण ना दें, फैक्ट पर बात करें, ये बात वीरेंद्र सक्सेना जी भी कह रहे हैं क्योंकि सवाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उठ रहा है। वीरेंद्र सक्सेना जी बहुत वरिष्ठ हैं और पत्रकार भी वरिष्ठ हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार की उन्होंने तारीफ करी, माननीय कल्याण सिंह जी सरकार की, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आती है, जब सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, हमने कहा लंबा वक्त का 15 साल तक हम सत्ता में देखिए नहीं रहे, मैंने उस बात को कहा भी। और जो भ्रष्टाचार और जो मामलात चरम सीमा में पहुंच गए, आपने देखा कि जो थाने बिकते थे एक जाति धर्म को लेकर बिकते थे, उन थानों ने क्या किया, वो सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आपने देखा किसी जिले में 32 थाने हैं तो 2 लोग जो है उस थाने के ऊपर सामान्य जाति के बैठा दिए, बाकी जिसकी हुकूमत थी 30 थाने उनको भेज दिए गए, वो बैठा दिए गए, तहसीलदार बैठा दिए गए, लेखपाल बैठा दिए गए। तो आप बताइए इस तरह से पिछली सरकारों में होता था और हमने एक सिस्टम को, आज आप देखेंगे चाहे लेखपाल हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसओ हो, चाहे एसएचओ हो, हमने सारी जाति धर्म को जो लोग काबिल हैं, हमने, आप हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते कि हम एक ही जाति धर्म के लोगों को बैठालते हैं। हमारे क्या सभी लोग साथ में चलते हैं, सभी लोग काबिल हैं, हम उनकी काबिलियत को देखते हैं। ये पीसीएस में भी जो क्या करते थे तो पीसीएस में भी एक जाति धर्म को देखते थे, आपने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ पीसीएस के अंदर, एक ही जाति धर्म के लोग, कुछ जिले के लोग आ गए थे कि पूरे प्रदेश के लोग नहीं आए थे, एक ही जाति के लोग आ गए थे और 2-4 जिलों के लोग आ गए थे, पीसीएस हो गए थे। लेकिन उस नेटवर्क को हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार सुधार रहे हैं तो थोड़ा होना चाहिए था, ये हमारी उपलब्धि है। और यही बात बार बार कह रहे थे वीरेंद्र सक्सेना जी भी कि आप अखबार उठाकर देख लें या टीवी की खबरें उठाकर के आप देख रहे हैं, जो तमाम चीजें व्यवस्थाओं से भरी हुई होती है, इन घटनाक्रमों का जिक्र होता है, नहीं सुधर पा रही है। आयुष जी देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संदेश दिया, उन्होंने ये कहा कि आप अगर नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए, वरना हम आपका रिटायरमेंट कर रहे हैं। ये भी वह रिटायरमेंट किया, जो पुलिस अधिकारी जो था दोषी पाए गए, जिन्हें रिश्वत ली और रिश्वत
का प्रयास किया, वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा गया। आप पिछली सरकारों के बनिस्बत देखें, हमारी सरकारों में कितने पुलिस कर्मचारी जेल गए हैं, कितने लेखपाल जेल गए हैं, अधिकारी हमारे जेल गए हैं, इनकी सरकारों में कभी जेल नहीं गए हैं। हमारी सरकारों ने जेल भेजा है, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। फिर देखिए बात वहीं खड़ी हो जाएगी, काम करिए कमलेली जी, आकर के अगर व्यवस्थाएं इतनी सही है और आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं और आप लोगों की तरफ से सख्ती है, तो फिर जाने दीजिए प्रियंका गांधी को, क्या आपत्ति है उसमें, जाने दीजिए, करने दीजिए राजनीति, जनता तो आपको देख रही है ना भाई। हमने क्या आपत्ति, ये ड्रामेबाजी क्यों, हमें कोई आपत्ति नहीं। बात सुनिए, प्रोटोकॉल भेजेंगी, जहां जहां प्रोटोकॉल भेजेंगी वहां वहां हमारी पुलिस जो है उनका खैर मकदम करेगी, प्रोटोकॉल के तहत आएंगे। एक एसपीजी होती है, एसपीजी अपना प्रोटोकॉल भेजती है, डीएम एसएसपी को भेजती है, वो जिस जिलों को चाहेंगी वहां जाए। लेकिन आप जा रहे हैं तो राजनीति ड्रामी, आप ड्रामेबाजी आपकी है ही है। आप सोच रहे कांग्रेस के लोग, पहले सोचा कांग्रेस के लोग हमारे ना फंसे, चलो पहले से बलबा करते हैं, आप फंस गए हैं तो फिर आपने ड्रामेबाजी चालू कर दी। आप इंसानियत का काम करिए ना, आपने सब गबड़ा घोटाला ना किया होता तो आज इतना बड़ा कांड ना होता। मैं आपको बताऊं, आपदारण सिंह जी से भी लेते हैं, आपदारण सिंह जी जवाब देना चाहेंगे, ना खतरा ना खतौनी, जो कांग्रेस का है वो सही, आप बताइए। ठीक है, आपदारण सिंह जी देखिए आयुष जी, कुमार राजा साहब ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं माना भी वीरेंद्र सक्सेना जी की बात को, कह रहे हमारे सरकार की तारीफ की। ये शायद भूल गए थे कि रामप्रकाश गुप्ता, आदरणीय मौजूदा रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, इनकी भी सरकारें नहीं है और अभी योगी जी की है। अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय ये आपको इतनी देर समझाते रहे हमने ये कार्रवाई की, वो कार्रवाई की, वो कार्रवाई की, कोई कार्रवाई का मतलब नहीं है अगर आप रिजल्ट नहीं ला रहे हो। कांग्रेस के लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर दबा के कार्रवाई कीजिए। कौन रोकने जा रहा है, अगर वो दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन इस बात से मत भागिए कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था विफल होने के बाद 10-10 लोगों की नृशंस हत्या हुई और सामूहिक गोली गट्ठा कांड हुआ, नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हर मोर्चे पे विफल हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से पैसा गिर रहा है, तेल पे इनका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कानून व्यवस्था पिछली सरकारों की वजह से खराब है, तो ये 2.5 साल से क्या कर रहे हैं, ये सत्ता छोड़ो ना, कानून व्यवस्था जो रहेगा वो जवाब देगा। और रही सियासी ड्रामेबाजी के, आप विफल हैं, जिस मोर्चे पे विफल हैं वहां विपक्ष के लोग जाए भी नहीं, ये अधिनायकवाद है, लोकतंत्र में इसकी पूरी छूट है, लोग जाएंगे, आप प्रोटोकॉल तोड़े उनको जेल में भेज दीजिए, लेकिन राजनीतिक ड्रामेबाजी नहीं कह सकते आप। आपकी विफलता है, अगर दूसरा विपक्ष का कोई भी, प्रियंका गांधी हो चाहे कोई भी हो, उसने हिम्मत दिखाई गरीबों के साथ जाके खड़े होने की, तो उसको आप ड्रामा कैसे कह सकते, आप अपनी विफलता को स्वीकार करिए। और उनका ड्रामा है, पब्लिक उनको नकार देगी, आप क्यों ज्यादा परेशान है। मुख्यमंत्री की विफलता पे ना तुम्हारा मुख्यमंत्री बोल रहा है, ना कमर अली जी जवाब दे, मैं फिर जवाब दे दूं बात का। ठीक है, जासिर कमर अली जी। हाँ, अभी मैंने कहा तो आप देख रहे हैं कि राजनीति ड्रामा तो भाई है, हम तो जाने कहां मना कर रहे हैं, आप प्रोटोकॉल भेजिए जहां समझ में जाइए, एसपीजी आपकी अनुमति जहां दे आप वहां जाइए, हम तो मना कहां कर रहे हैं आपको, आप प्रोटोकॉल भेजिए एसपीजी जहां आपके कहे आप जाइए, हम तो आपको कह रहे हैं आप जाइए, आप मना कहां कर रहे हैं। अरे आप जिससे समझ में आए मिलिए, आप भेजेंगे वाराणसी का प्रोटोकॉल, सुनिए ड्रामा बता रहे हैं, आप वाराणसी का प्रोटोकॉल भेजे, मेरी बात सुन लीजिए, काबिल आदमी हमसे बड़े हैं आप, अगर वाराणसी का प्रोटोकॉल भेजेंगे सोनभद्र जाना चाहेंगे, देखिए नहीं हो सकता, वो उस तरीके से नहीं हो सकता, आपको जब सोनभद्र जाना होगा तो सोनभद्र का प्रोटोकॉल भेजेंगे, ये नियम कायदा कानून है। पहले आप वाराणसी भेजेंगे, आप ये बताएंगे, आप ये बताएंगे कि हम वाराणसी का प्रोटोकॉल लेकर कहीं और जाना चाहते हैं, फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये बात आपदारण सिंह जी सही कह रहे हैं कि अगर वो आज गई हैं प्रोटोकॉल लेकर के भी गई हैं, तभी भी आज भी ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि सियासी ड्रामा है, यही तो सवाल उठा रहे हैं आपदारण सिंह जी। भाई बिल्कुल सियासी, हम तो अगर अभी हम मना, आप बताइए अगर एसपीजी ने उनके भेजा है प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के तहत अगर वो गई है, बिल्कुल करिए, जो उनके समझ में वो करिए, लेकिन आवाम तो जान रही है ना कि कांग्रेस के लोग इसमें दोषी हैं, ये राजनीतिक ड्रामा तो ही है, और क्या आवाम क्या कहेंगे बताइए। मैं अयोध्या जी, आप देखिए आवाम जान रही है, चाहे पीएसपीएल जाए या समाजवादी पार्टी जाए या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जाए, अयोध्या जी इनकी बात भी अयोध्या जी, मैं आपकी बात कर, ये चिल्ला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं उससे।
जेएनयू जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रोटोकॉल के तहत चिल्ला रहा है तो फिर किसी के जाने पर क्या आपत्ति, और अगर आप ये कह रहे हैं कि आवाम ये जान रही है कि इसमें संलिप्तता कांग्रेस की है तब तो और भी बढ़िया है, जाने दीजिए प्रियंका गांधी को, फिर उसमें क्या सियासी ड्रामा और ये सब कहने की आवश्यकता क्या जी? आपके लिए क्या दिक्कत है भाई? आप सियासी ड्रामा तो भाई आप क्या कहेंगे सैयू जी, आप बताइए, सारे लोग तो जान रहे हैं सियासी ड्रामा है, हर बच्चा बच्चा कह रहा है सियासी ड्रामा है। मैं तो ये कहूंगा कि प्रियंका गांधी का सियासी ड्रामा है। देखिए तो ये कहूंगा कि प्रियंका गांधी का सोनभद्र का दौरा है, जासूस कमर अली जी क्या कहते हैं वो अपना पक्ष रखें जी। मैंने अपना पक्ष रख दिया, हमारी पार्टी की तरफ से मैंने अपना पक्ष रख दिया कि एक सियासी ड्रामा उनका है, वो जो उनके कांग्रेस के लोग फंसे हैं वो उसको लेके मचल गई हैं, वो परेशान हो गई हैं कि बताइए हमारी कांग्रेस की देन थी ये, तो उसको दिखाना आवाम को चाहती हैं कि देखिए इसमें मतलब ये कि कागज देखिए बोलते हैं। सन 1952 में जो कागज बने, फर्जी समिति जो बनाई गई, 12 सदस्य इसमें रहे, दुर्गा प्रसाद राय जी इसमें रहे, तो ये सारे जो लोग रहे इनके, तो कथनियों करनी में इनके आप दिखा रहे हैं फर्क है, लेकिन है तो एक चीज, अरे इन लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है, इन्होंने बर्बाद किया इस देश को, और ये जो समझ में आया लूटा इन्हें, जब जहां पे जो चीज खोलती है, देखिए जो भी चीज, हमारे मुख्यमंत्री जी सारे शानदार रहे हैं, और ये भी मानिए मुख्यमंत्री जी हमारे बिल्कुल शानदार हैं। अरे आप उदाहरण दीजिए फिर, अगर आप ये कहेंगे कि बीच में आपकी भाजपा के सरकार भाई उन्होंने क्या किया, तो फिर मैं भी सवाल फिर आपसे पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी का हिस्सा जब आप रहे तो आपने क्या किया, फिर आप ये बचते हुए नजर आएंगे कि साहब वो आप अखिलेश यादव से पूछें या मुलायम सिंह से पूछें, आपको पीएसपीएल के मलाई खाते ये मत कहें, ये मत कहें, ये हमारी सरकार क्या कर रही है वो उसका जवाब दें, बीच के सरकारों ने क्या किया उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, सवाल आपके लिए भी होगा। जासिर कमल अली जी जल्दी से कंप्लीट करें भाई, हमारी सरकार तो नजीर पेश कर रही है। एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, हमारी देखिए अगर प्रियंका गांधी के जाने से इनको वहां दिक्कत हो रही है तो सिर्फ इतनी है कि एक वहां एक्सपोज हो गए, विपक्ष उसका लाभ उठा ले जा रहा है, इसलिए ड्रामा बता के निकल लो। ठीक है, निकल तो बेचारे खुद ही लिए भतीजे, वीरेंद्र सक्सेना जी इसके अलावा क्या करेंगे, वीरेंद्र सक्सेना जी क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है सियासी ड्रामा तो दरअसल ये ड्रामा क्यों कहा जा रहा है, थोड़ा इसको भी समझाते चलें एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। देखिए आयुषी, ड्रामा हर पार्टी करती है, आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस के रिजिम में ये घटना होती तो बीजेपी वाले ना जाते वहां, ये भी जाते और ये भी पॉलिटिकल बाइले देने की कोशिश करते, तो ये सब कहना कि पॉलिटिकल ड्रामा हर पार्टी करती है, जितना पॉलिटिकल माइलेज किसी ड्रामे से मिल सकता है वो लेने की कोशिश करती है, लेकिन दिक्कत सिर्फ इसमें यह हो कि प्रियंका गांधी अपने को दिखा रही थी कि मैं बहुत एक्टिव और हूं और वो प्रेसिडेंट की हकदार हैं एक्चुअली और दावेदार हैं, तो वो चाहती कि हम, क्योंकि सोनिया गांधी ये नहीं चाहती कि कांग्रेस की कमान जो है वो उनके घर से बाहर जाए, और इसलिए ये सब ड्रामा इतनी जोर से हो रहा है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया है, तो किसी तरह ये करके प्रियंका गांधी को यहां का अध्यक्ष बना दिया जाए और ये सब साल हो जाए, तो प्रियंका गांधी थोड़ी एक्टिव हो गई और बार बार ये सब चीजें, कोई भी घटना होती है उसको पॉलिटिकली ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, तो लेकिन यह कि इसमें चूंकि ये फंस गई, कांग्रेसियों के नाम आ गए हैं तो अब वो निकल तो नहीं सकते, लेकिन यह कि वो बार बार जाके पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाती रहेंगी और कमर अली साहब इसी तरह अपना भाषण देते रहेंगे, ये इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन ये कि कोई भी आदमी ये नहीं सोचता कि पुलिस को कैसे सुधारा जाए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आप कॉमन मैन से पूछिए कि भैया तुम सुरक्षित हो, हम कहते हैं रोज हम आपको अखबार लाके दिखा दें कि किस तरह की घटनाएं रोज छप, आखिर क्यों ये होता है भाई, आखिर प्रशासन का जो है जो कहां वो है क्या कहते हैं प्रशासन का जो इकबाल, हाँ इकबाल है इकबाल बुलंद है, इकबाल बुलंद है आप बताइए, इकबाल बुलंद है जी, जब आप बात करेंगे तो फिर तमाम सारे फैक्ट्स आप मेरे पास देखिए, इतनी अखबारों की कटिंग है और इतनी सुर्खियां हैं, देखिए कहां कहां अपराध हो, क्या डकैती रुकी, क्या रेप रुके, क्या जो है चेन स्नैचिंग रुकी, देखिए अखबारों की कटिंग, अच्छा आप अखबार झूठे हैं, मैंने 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 कोई बात को, मैंने कहा अखबारों कटिंग पे आप बात करेंगे तो अखबारों की कटिंग पे फैसले नहीं होते हैं ना, उसको कोर्ट मानती है अखबारों के फैसलों का, आप भी जानते हैं, लेकिन घटना घटित हुई है, आप जो कह रहे हैं कानून जो होता है अपना काम कर रहा है, अखबार में कोई किसी को छाप देता है तो उससे फांसी उसको नहीं दी जाती है, अखबार में छपने से फांसी नहीं होती किसी को, कानूनन जो होता है उसमें वो दिक्कत होती है उसको, बात समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ पुलिस को सुधारिए, पुलिस के लिए एक तमाम समितियां बनती हैं, पुलिस के लिए एक समिति बनाइए जो उनकी ऊपर काउंसलिंग कराए,
उनकी काउंसलिंग कराए कि उनके अंदर सुधार कैसे हो सकता है। नहीं, उसके लिए है, बन गई। थाने बिक रहे हैं तो थाने बिकने से क्यों कैसे रोके जा सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर। अब फाइनल कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपदा हरण सिंह जी, अगर आपको ये लग रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर एक्सपोज हो चुकी है या भारतीय जनता पार्टी की ही ये विफलता है, तो फिर पीएसपीएल इस मुद्दे को लेकर के कहां खड़ी है और कितना आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, कहां विरोध प्रदर्शन पीएसपीएल के प्रवक्ता होने के नाते, थोड़ा इसको बताते चलें। आपदा हरण सिंह जी, आयुष जी, इस घटना में हमारा 21 लोगों का डेलीगेशन गया कुंभा, पीड़ितों से मिला, उनके सुख दुख में सम्मिलित हुआ और पिछले 8 अगस्त को हम लोगों ने जीपीओ पे, गांधी प्रतिमा पे, कानून व्यवस्था से लेके जितनी विफलताएं सरकार की उन सबको घेरते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और 4 सितंबर को इनके जिला मुख्यालयों को हिलाने जा रहे हैं हम लोग। ये विपक्ष विहीन महसूस कर रहे थे ना अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके उसमें सुधार करने के बजाय हम कहते हैं कांग्रेस के लोग उसमें फंस रहे हैं, दोषी हैं, प्रियंका गांधी उसको झेलेंगी, आप क्यों उनको ड्रामा बता रहे हैं। किसी दुखिया, किसी ऐसे परिवारों के साथ जाके खड़ा होना जिनके बीच के 10-10 लोग मारे गए हों, जान से मारे गए हैं, निशंस हत्या हुई है, उनके साथ अगर विपक्ष खड़ा है तो आपको ड्रामा क्यों नजर आता है। जासिर कमर अली, आप अपने को सुधार लीजिए। जासिर कमर अली, वो लोग शामिल हैं कांग्रेस के लोग, इसलिए क्यों नजर आ रहा है आयुष जी, वो कांग्रेस के लोग इसमें, कांग्रेस के लोग अगर इसमें शामिल नहीं होते तो हम ड्रामा कतई ना कहते। जब कांग्रेस के लोग शामिल हैं तो इसलिए हम ड्रामा कह रहे हैं। वो जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रही हैं, कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है तो ये ड्रामा ही तो कहेंगे आप। जब कांग्रेस के लोग इसमें दोषी है, कांग्रेस के लोगों का नाम आ रहा है, तो ड्रामे के अलावा आप क्या कहेंगे, आप बताइए। कहना ये कि प्रियंका गांधी के वहां चले जाने से 10 निशंस लोगों की हत्या हो गई, उसमें इनका कोई रोल नहीं, इनके शासन की, इनके प्रशासन की, इनके मुख्यमंत्री की कोई जो दोषी था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। जासिर कमर अली जी ने बार बार इस बात को कहा है कि समाज सेवा में लगा है, कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है और प्रशासनिक अधिकारियों की विफलता को भी उन्होंने कहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। वीरेंद्र सक्सेना जी, बिल्कुल, एक तलाशने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी, वो दांव उल्टा पड़ता हुआ प्रियंका गांधी के इस दौरे से आपको नजर आ रहा है, अंतिम कमेंट आपका। जी आपसे, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि ये जो है दांव प्रियंका गांधी का, यह दांव उल्टा पड़ गया। उन्होंने कोशिश करी थी कि हम इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, लेकिन कांग्रेसियों ने ही उनकी फजीहत करा दी है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निकल जाऊं या इसके अंदर चली जाऊं, क्या करूं, कैसे निकलूं इससे, ये उनके लिए बड़ा गंभीर प्रश्न हो गया है। इसलिए वो बार बार जाती हैं, सहानुभूति प्रकट करती हैं, अपने कांग्रेसियों के खिलाफ वो कुछ कह नहीं सकती हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, तो उनको सिर्फ यही करना है, बार बार ये करना है और कांग्रेसों के खिलाफ जो भी होना है उस पर उनकी चुप्पी ही जो है वो कर सकती है, वो चुपचाप रहने के अलावा कोई नहीं कर सकती कुछ वो। और इस समय कांग्रेस बहुत नेतृत्व विहीन है, सारे लोग बड़े कंफ्यूज हैं, तो इसमें जो है ऐसे में एक ये अच्छा मूव उन्होंने कोशिश की थी कि हम करें, लेकिन ये भी उल्टा पड़ गया। अब यही इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस की किस्मत खराब चल रही है। बिल्कुल ठीक है, वीरेंद्र जी, आप किसी बात के साथ समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि प्रियंका गांधी सोनभद्र पहुंची हुई थी जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार वालों के साथ मुलाकात की है, लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप है उनकी राजनीति भी गर्म है और कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी दरअसल जिस तीर को चला रही थी अब उसी में वो फंसती हुई भी नजर आ रही हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही है।